तो टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म के अंदर, लेट अस सपोज आपके पास एक धागे से आपने मैग्नेट को टांग दिया और मैग्नेट इज फ्री टू मूव हर तरफ, वो कहीं भी मूव कर सकती है, वो 3D में मूव कर सकती है ऐसे। तो जब धागे से टांगा और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पर नीचे की तरफ है, तो आपका ये पेन या मैग्नेटिक नीडल कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है यहाँ तक? तो बी की तरफ जाएगी। पर अगर आप इसे 2D, वो एक मैग्नेटिक नीडल आती है जो 2D में घूम सकती है, इसको हिंज कर देते हैं बस ऐसे ही घूम सकती है, तो जाना तो वो नीचे चाहती है पर जा नहीं पा रही, आप अलाउ नहीं कर रहे, तो कैसे रहेगी? ऊपर है, ऊपर घूमेगी, तो जहाँ वो रुकेगी पता है क्या होगा? अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड होगा वो, क्योंकि वो एक्चुअल बी की तरफ तो गई नहीं, नीचे मुड़ नहीं पाई, तो ऊपर तो रहेगी, कम से कम वर्टिकल नहीं शो करेगी, हॉरिजॉन्टल तो शो करेगी। तो जहाँ मैग्नेट रुकती है वो जो लाइन है वो क्या कहलाती है? उसकी अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड है। तो पहला पॉइंट क्लियर है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड पे रुकेगी। अब इमेजिन करो एक मैग्नेट ली और अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड मान लो इस तरफ है, आपकी तरफ है, तो मैग्नेट को लटकाया, अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड इस तरफ है, तो यहाँ के रुक गई, बात खत्म हो गई। लेकिन आपने क्या किया, एक और अपना फील्ड जनरेट कर दिया इस तरफ F, तो आपने अपना फील्ड जनरेट किया F या B, कोई भी नाम दे दो इस तरफ एक्सटर्नल। और मान लो अर्थ का फील्ड नहीं है, अगर अर्थ का फील्ड नहीं है और आपका फील्ड है, तो जब आप धागे से मैग्नेट को लटकाएंगे तो कहाँ जाएगी? वो यहाँ चली जाएगी, आपके फील्ड की तरफ चली जाएगी। अब सोचो आपका फील्ड भी है और अर्थ का फील्ड भी है, अर्थ का फील्ड कहता है मेरे पास इस तरफ आ जा, आपका फील्ड कहता है मेरी तरफ आ जा, अब ना तो वो इधर ना वो इधर, कहीं बीच में अटक जाएगी, क्योंकि जाना इधर भी कोशिश कर रही है, जाने की इधर भी कोशिश कर रही है, क्योंकि मैग्नेट इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, रादर मैग्नेट इज लाइंग इन टू मैग्नेटिक फील्ड्स, तो इट विल जनरेट टू टॉर्क्स, तो एक टॉर्क इधर एक टॉर्क इधर, लेकिन ना इधर कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन में आके रुक जाएगी थीटा। कई लोग सोचते हैं डायग्राम ऐसा है वर्टिकल में, ना वर्टिकल में नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल में है, फोटो खींची और वर्टिकल ऐसे टांग दी, तो ये टॉप व्यू है मैग्नेट का। तो मान लो एक फील्ड हॉरिजॉन्टल ये रहा, एक फील्ड एफ टेस्ला में एफ आपका, मैग्नेट अटक गई एट एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल फील्ड एच के साथ, उससे एंगल थीटा बना दिया। अब मुझे ये पता है कि हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या किया था कि जो ई होता है वो क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज होता है, तो फोर्स क्या होता है? चार्ज इनटू ई होता है। और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया? एफ अपॉन पोल स्ट्रेंथ, तो एफ क्या होता है? एम इनटू बी होता है, क्लियर है यहाँ तक? अब इस केस में क्या होगा, ये पोल स्ट्रेंथ एम है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एच है, तो एक फोर्स लगेगी एम एच इधर, एक फोर्स लगेगी एम एच इधर, जो टॉर्क जनरेट करेगी और मैग्नेट को कैसे अलाइन करने की कोशिश करेगी? अराउंड द अर्थ हॉरिजॉन्टल फील्ड। और ऐसी एक फोर्स लगेगी एम एफ, एक फोर्स लगेगी एम एफ, जो इसको कैसे घुमाएगी? एफ के अलोंग। तो एच चाहता है कि टॉर्क कैसे लगे? एंटी क्लॉकवाइज। फोर्स एम एफ चाहती है टॉर्क कैसे लगे? क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल हो जाए तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ऐसे केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी और थीटा एंगल में मैग्नेट रुक जाएगी। तो ये बताओ कि एम एफ और एम एफ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एन ए। और एम एच और एम एच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एस ए। तो एम एफ टॉर्क कितना जनरेट करेगा? एम एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एन ए, यानी कि एम एफ इंटू एन ए। और एम एच कितना करेगा? एम एच इंटू कितना? एस ए। तो ये देखो एक टॉर्क है एम एफ इंटू एन ए, एक टॉर्क है एम एच इंटू एम, से एम क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू आई एस ए बाई एन ए। तो ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, टैन थीटा इज एस ए बाई एन ए, तो एस ए बाई एन ए की जगह टैन थीटा। आप अपनी फॉर्मूला बुकलेट में सिर्फ और सिर्फ ये नोट करें, एफ मैग्नेटिक फील्ड इज एच इंटू टैन थीटा, फिर थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेट एंड एच। तो ये प्लीज़ फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें।